सभी का करता हूं यहां पे जो मैंने एक चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है नर्वस सिस्टम लेकिन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें क्लियर करते जाएंगे ठीक है ना सो so, आज का जो वीडियो होगा वो होगा विद रिगार्डिंग द हिस्टोलॉजी 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 ऑफ नर्वस सिस्टम हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम लेकिन फर्स्ट थिंग हम देखेंगे लिटिल बिट सिस्टम होता है क्या so है ठीक है, है. First thing है गई, ना फर्स्ट so थिंग जो नर्वस सिस्टम है लॉट ऑफ न्यूरो ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूरोपोर्टिंग सेल्स मीन दो सेल्स मैंने यहां पर बोली कौन कौन सी सेल मैंने यहां पर बोली वन इज कॉल्ड न्यूरोन एंड सेकेंड इज कॉल्ड स्पोर्टिंग सेल्स स्पोर्टिंग सेल्स so इन the नर्वस सिस्टम there आर टू टाइप सेल्स आर involved वन सेल is कॉल्ड what neuron एंड अदर सेल is कॉल्ड what सपोर्टिंग सेल्स जो मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का तो हम सिंपली बोलेंगे जो मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम का वो ये फंक्शन है कि ये कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को जो नर्वस सिस्टम है एक स्पेशल सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को चाहे वो इंफॉर्मेशन इंटरनली हो चाहे वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली हो उसको कलेक्ट करता है और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करके होती है उसके बाद क्या होता है जब इंफॉर्मेशन स्टोर करके होती है जब कोई सेंसेशन आएगी हमारी बॉडी के अंदर जब वो सी में जाएगी पहले वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होगी क्या वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर तो नहीं है अगर स्टोर हो गई तो उसके बाद क्या होगा एक कमांड निकलेगा एक रेस्पॉन्स निकलेगा थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वो रेस्पॉन्स कहाँ से निकलेगा सी एन एस से निकलेगा और कहाँ तक जाएगा पेरिफेरी जाएगा सो दैट मीनज जो हमारा नर्वस सिस्टम है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर सेल बॉडीज यापोर्स सॉरी स्पोर्टिंग सेल्स मैंने बोला ठीक है ना सो अगेन आई एम रिपीटिंग द नर्वस सिस्टम इज बेसिकली मेडअप अप लॉट ऑफ न्यूरोन्स एंड स्पोर्टिंग सेल्स ओके जो मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम का वो ये है कि ये मेनली कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को चाहे वो इंफॉर्मेशन इंटरनली हो चाहे वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली हो और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ही ठीक है ना उसके बाद डिसीजनज आते हैं नर्वस सिस्टम के ठीक है ना और एनाटॉमिकली जो नर्वस सिस्टम है ये डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में सो एनाटॉमिकली नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड व्हाट पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओके नाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल बनाऊं A diagram of CNS okay. The upper part, this portion is called the brain, and this lower part is called the spinal cord. Okay, now obviously, the part of the brain, and this is called what medulla, and this is called the pons, and it's called a cerebrum, and this is called a cerebellum, and this, this part. इन सभी को बोला ब्रेन और ये मेरे जो नाम लिखे ये पार्ट से ब्रेन के इन फ्यूचर में हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले लेकिन पहले हम बेसिक व्यू लेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम से ठीक है ना सो दैट मीनस अब नाउ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है मतलब इसका काम क्या है पी एन एस का काम क्या है सिंपली जो पी एन एस का काम होता है देखो जो न्यूरोन्स होंगे वो सी एन एस में भी होंगे वो पी एन एस में भी होंगे ठीक है ना सो फर्स्ट थिंग न्यूरॉन्स प्रेजेंट बहुत इन सी एन एस एज वेल एज पी एन एस तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोला जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स, सो दैट मीन जो नर्वस सिस्टम है उसमें दोनों चीज़ें आएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आएगी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आएगी सो दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ जो नर्वस सिस्टम है ये बना है लॉट ऑफ न्यूरॉन्स से सो so इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ यहां पे भी न्यूरॉन्स होंगे और यहां पे भी न्यूरॉन्स होंगे क्योंकि ये दोनों है हिस्सा पार्ट्स है किसके पार्ट्स है रोल ऑफ ऑफ पीएनएस इज दैट थिंग अगर यहां पे एक न्यूरॉन है पीएनएस के अंदर एक न्यूरॉन है ये मानो सेंसेशन न्यूरॉन है यहां पे sensation मतलब ये सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है ये कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को from the periphery not the cns cns is the brain and spinal cord and outside the cns uh, the other body is periphery for the cns now this is a neuron and it collects the information periphery part from periphery part now then when it produces the sensation this sensation goes towards the cns ye sensations is sensation is kahan ki aur सी एन एस की ओर जाएगी और जो सिस्टम सेंसेशन को कलेक्ट करेगा दैट सिस्टम इज कॉल्ड सेंसरी सिस्टम सेंसरी सिस्टम सो दैट मीनज जो पी एन एस है पी एन एस का जो एक सिस्टम है उसको हमने देखा उसका नाम है सेंसरी सिस्टम और सेंसरी सिस्टम का काम क्या होता है सेंसरी सिस्टम का काम होता है ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को पेरिफेरी पार्ट से और कहां तक ले जाता है सी एन एस तक ले जाता है और जब सी एन एस तक ये इंफॉर्मेशन चली गई सी एन एस तक ये इंफॉर्मेशन चली गई फिर ये इंफॉर्मेशन पहले क्या होगी रिकॉग्नाइज होगी जब ये रिकॉग्नाइज हो इंटीग्रेट होगी क्या ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर तो स्टोर नहीं है उसके बाद वहां से एक रेस्पॉन्ड निकलेगा वहां से दूसरा इंफॉर्मेशन निकलेगा यहां से दूसरी इंफॉर्मेशन निकलेगी एंड नाउ अब जो सी एन एस इंफॉर्मेशन निकलेगा दैट्स कॉल्ड ए कमांड अब जो कमांड लेगा वो उसको भी जाना है पेरीफेरी में और उस कमांड को लेगा कौन दैट सिस्टम इज कॉल्ड मोटर सिस्टम motor system now in the pns there are two systems one is called what sensory system and other system is called what motor system and what is the role of sensory system it takes the information from periphery to the cns and what is the role of motor system it takes the information from cns towards the periphery. So there are two systems in the PNS. One is called what? Sensory system and second system is called what? Motor system. And I hope आपको ये दोनों system clear होंगे. Sensory system भी and motor system भी. So फिर से मैं एक review देता हूँ. हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ with a little bit of nervous system. So basically nervous system is made up of lot of neurons and their supporting cells. उसके बाद मैंने बोला जो nervous system है anatomically ये divide है दो parts में. One is called what? Central nervous system and second System is called what peripheral nervous system and in the central nervous system it consists of brain and spinal cord and obviously the names of the brain part okay and now what's the role of the PNS the role of the PNS it it takes the sensation from the periphery towards the CNS and that system is called what sensory system and when the information goes towards the CNS the first thing information integrate hogi taken a पहले वो रिकॉग्नाइज होगी उसके बाद वहां से रेस्पॉन्स निकलेगा वो रेस्पॉन्ड निकलेगा सी एन एस ट्स वट पेरीफरी उस इंफॉर्मेशन कौन कौन सिस्टम लेगा दैट्स कॉल्ड ट मोटर सिस्टम सो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है वहां पे दो सिस्टम्स है एक को हम बोलेंगे सेंसरी सिस्टम एंड दूसरे को हम बोलेंगे मोटर सिस्टम सो दैट मीन्स इनमें दोनों में न्यूरो आएंगे पेरी देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये न्यूरान ही ले रहा है जो इन्फॉमेशन ही, ही ला रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है जब लाएगा टुवर्ड्स द सी एन एस दैस कॉल देंसरी सिस्टम

ॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम जब भी मैं बात करूंगा हिस्टॉलॉजी या जब भी आप वर्ड सुनोगे हिस्टॉलॉजी दैट मीन्स सेल्स की बात हो रही है कौन कौन सेल इन्वॉल्व है सो so, मैं यहां पे लिखूंगा सेल्स इन द नर्वस सिस्टम सेल्स इन नर्वस सिस्टम अभी मैंने बोला देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व इन द नर्वस सिस्टम वन सेल इज कॉल्ड वट न्यूरोन एंड अदर सेल इज कॉल्ड वट स्पोर्टिंग सेल्स ग्लायल सेल्स, स्पोर्टिंग सेल्स ठीक सो दैट मीनस जो सेल्स है नर्वस सिस्टम के अंदर वो कौन कौन सी सेल्स है एक न्यूरॉन है दूसरी ग्लायल है, एंड इस वीडियो में हम खाली डिस्कस करेंगे विद रिगार्डिंग द न्यूरॉन और नेक्स्ट लेक्चर में होगा विद्रॉन ग्लायल गला, सेल्स ठीक है ना ओके न्यूरॉन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट थिंग अगर हम पहले इनको डिफ्रेंशिएट करें व्हाट इस डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड व्हाट्स अ डिफरेंस बिटवीन ग्लायल सेल्स फर्स्ट थिंग न्यूरोन इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल ठीक है ना अपनाओ जो न्यूरॉन है ये कंडक्टिंग सेल है किसके लिए क्या करती है कंडक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और ये जनरेट करता है क्या एक्शन पोटेंशियल। वाइल एज जो ग्लायल सेल्स है, नॉन न्यूरोल सेल्स है, वो कंडक्ट नहीं करते इम्पल्स वो जनरेट नहीं करती है एक्शन पोटेंशियल सो दैट मीनस अगर आपको डिफरेंस मतलब बोलना होगा विद रिगार्डिंग द न्यूरॉन एंड गयल सेल्स आप क्या बोलोगे ऑल द सेल्स इन द नर्वस सिस्टम विच इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल करंट या सिंपली से इंपल्स सो ऑल द सेल्स इन द नर्वस सिस्टम विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोपगेट और जनरेट द एक्शन पोटेंशल आर कॉल्ड इन न्यूरोल सेल्स या न्यूरो सिंपली न्यूरो एंड वाइल द अदर सेल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या विच डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट or do not प्रोपेगेट or generate एक्शन पोटेंशियल आर कॉल्ड what glial सेल्स सो समझ आ गया डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि जो न्यूरॉन्स है ये कंडक्ट करते इलेक्ट्रिक करंट और ये प्रोपेगेट करते है एक्शन पोटेंशियल और जो ग्लायल सेल्स है ये बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते है दैट्स वाईज कॉल्ड वट नॉन न्यूरोल सेल्स और सिम्पली कॉल्ड स्पोर्टिंग सेल्स एंड जो काउंट है न्यूरोन्स का हमारे सेंटर नर्वस सिस्टम के अंदर वो कितना है वो बिलियन्स में है ठीक है ना सो यू आर आलीनियर वो बिलियज में है सो so, हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर बिलियज में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो ग्लायल सेल्स हैं जो सपोर्टिंग सेल्स है ये इससे भी ज्यादा होती है फार अवे मोर देन वट न्यूरॉनल सेल्स ठीक है ना जो न्यूरॉन्स होती है वो बिलियनज में होती है और जो ग्लायल सेल्स है ग्लायल सेल्स ज़्यादा होती है किससे ज़्यादा होती है न्यूरॉन्स से कितना क्लियर है ना सबको सो दैट मीनस अभी तक हमने पढ़ा जो नर्वस सिस्टम है यह बनाया लॉट ऑफ न्यूरोन है सपोर्टिंग सेल्स से उसके बाद हमने देखा न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन चाहे वो इफॉर्मेशन इंटरनली हो चाहे वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली हो उसके बाद हमने क्या देखा लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है नर्वस सिस्टम के अंदर उसके बाद क्या हमने देखा उसके बाद हमने देखा डिसीजन आते हैं जवाब आता है कहाँ से जवाब आता है नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर होती है वहाँ पे उसके बाद हमने देखा जो नर्वस सिस्टम है एनाटॉमिकली ये डिवाइड है दो पार्ट्स में वन पार्ट इज कॉल्ड सी एन एस सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड पी एन एस और जो सी एन एस में है वहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड और जो पी एन एस है रोल क्या है पी एन एस का सेंसेशन प्रोड्यूस करना फ्रॉम पेरी टू द सी एन एस और रेस्पॉस लेना फ्रॉम सी एन एस टू द

सो न्यूरॉन डिफाइन करना आपको आएगा व्हाट इज़ न्यूरॉन न्यूरॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन द नर्वस सिस्टम विच कंड इलेक्ट्रिकल करंट एंड जनरेट अ प्रोपैगेट एक्शन पोटेंशियल आर कॉल्ड न्यूरॉन्स या सिंपली से कैन से इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम सो जो स्ट्रक्चर होगा जो फंक्शन होगा नर्वस सिस्टम का वो बेसिकली न्यूरॉन का ही होगा दैट्स वाइज इज कॉल्ड अबट स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम पहले मैंने बोला इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द सेल न्यूरोन से स्पेशल टाइप ऑफ सेल उसके बाद जो न्यूरॉन है बेसिकली यहां पे जो अगर मैं डायग्राम के लिए इसको रिप्रेजेंट करूं यहां पे एक सेल बॉडी होगी ऑब्वियसली हर एक के पास सेल बॉडी होती है एंड से न्यूक्लियस ठीक ओके और जो मेमब्रेन है मेम्बरेन से कुछ एक्सटेंशन निकलते हैं एक्सटेंशनस मेमरे से कुछ एक्सटेंशनस निकलते हैं ठीक है ना अब नाउ दिस स्मॉल एक्सटेंशन ऑब्वियसली इसका लिटिल साइटोप्लाज्म भी होगा

ठीक है ना सो so नाउ जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन लेते हैं किससे लेते हैं इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन से और किसको देंगे और ये सेंड करते हैं सेल बॉडी सेंड करेंगे सो दैट जो डेंड्राइट्स है ये कलेक्ट करते इंफॉर्मेशन को आउटसाइड और किसको देते किसको सेंड करेंगे इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं किसको सेल बॉडी को दैट्स वाई जो डेंड्राइट्स होते हैं ये एफेरेंट इन नेचर होते हैं एफेरेंट एफेरेंट है लेकिन किसके लिए एफेरेंट है ये एफेरेंट है ये सेल बॉडी के लिए स्मॉल एक्सटेंशन है इंफॉर्मेशन फ्राम अदर न्यूरोन एंड सेंडस टूवर्ड द सेल बॉडी दैट्स एफरेंट इन नेचर उसके बाद uh, इसके बाद एक लॉन्ग एक्सटेंशन निकलता है

और जो डेंड्राइडस है अगर आप सवाल आए एग्जॉन क्यों एफेरेंट है बिकॉज इट टेक्स द इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो एग्जॉन है ये इंफॉर्मेशन ले रहा है लेकिन दूर ले रहा है किसे दूर ले रहा है सेल बॉडी से दूर ले रहा है और जो डेंड्राइड्स है ये इंफॉर्मेशन ले रही है दूसरे न्यूर से लेकिन किसको भेज रहे सेल बॉडी को भी word, नेचर अगर डिफरेंस है तो एक बड़ी डिफरेंस बन रही है डेंड्राइट्स आर व्हाट एफेरेंट इन नेचर एंड आर व्हाट एफेरेंट इन नेचर बिकॉज इट इफेक्ट द अदर न्यूरॉन दैट्स व्हाट इफेक्टर एफरेंट एफरेंट इन नेचर और का मतलब क्या होता है अवे ले जाना ये दूर ले जा रहा है इंफॉर्मेशन को को किससे सेल बॉडी से नाउ फर्स्ट थिंग अगर मतलब देखो यहां पे एक सेल बॉडी है इसके जो स्मॉल स्मॉल एक्सटेंशन निकलते हैं ये क्यों निकलते हैं बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं किसका सरफेस एरिया इंक्रेज करते हैं सेल बॉडी का क्यों लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेगा तब जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा किसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा सेल बॉडी का जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना ये इंफॉर्मेशन ले सकता है टेनराइट और किसको सेंड करेगा सेल बॉडी को सो दैट मीन्स एक न्यूरॉन Uh, जो एक न्यूरॉन की कैपेसिटी है वो टेन थाउजेंड से मोर देन 10,000 थाउजेंड से इंफॉर्मेशन ले सकता है एक ही टाइम पे सो so, जो सेल बॉडी है एक न्यूरॉन है ये मोर देन मोर देन टेन थाउजेंड दैट मीन्स अगर यहां पे दो पर्सन है यहां पे पर्सन ए है और यहां पे पर्सन बी है अब देखो इसके पास दो कान है इसके पास दो कान है ऑब्वियसली इसके पास एक ही टंग है अब दैट मींस जो पर्सन ए है ये एक ही टाइम पे मैक्सिमम दो लोगों की बातें सुन सकता है ठीक है ना लेकिन जो न्यूरॉन है साइमटेनियसली 10000 न्यूरॉन की बातें सुन सकता है एक ही टाइम पे ठीक so है ना तो दैट मींस जो डेंड्राइट्स है इसकी वजह से क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है और मोर देन 10000 टाइम्स न्यूरॉन्स की ये इंफॉर्मेशन लेता है एक ही टाइम पे

ट इज न्यूराइट फर्स्ट थिंग जो न्यूराइट होंगे ऑल द एक्सटेंशन प्रेजेंट इन द दैट न्यूराइट जितने भी एक्सटेंशन होंगे एक न्यूरोन के अंदर उसको हम बोलते हैं न्यूराइट क्या बोलेंगे उसको न्यूराइट बोलेंगे सो दैट मीनस जो न्यूराइट है वो दो तरह के होंगे एक न्यूराइड क्या है एक न्यूराइड डेंड्राइड है और दूसरा न्यूराइड क्या है एग्जॉन है लेकिन देखो जो डेंड्राइड्स होते हैं वो बहुत सारे होंगे लेकिन एग्जॉन खाली एक होता है लॉन्ग प्रेस खाली एक होती है सो दैट मीनज ए न्यूरान कंसस्ट थ्री स्ट्रक्चर्स वन इज कॉल्ड एग्जॉन सोमा एंड डेंड्राइड्स एंड वट इज़ द रोल ऑफ डेंड्राइडस सिंपली द रोल ऑफ डेंड्राइडस इट टेक्स द इंपल्स इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर न्यूरान एंड सेंड्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी दैट्स वाई दे आर एफेरेंट इन नेचर ओके okay? उसके बाद रोल ऑफ एक्सॉन इट टेक्स द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड इफेक्ट इज इट्स कॉल्ड इफेक्टर इन नेचर इन नेचर उसके बाद मैंने क्या बोला उसके बाद मैंने बोला एक न्यूरॉन मोर देन टेन थाउजेंड से इंफॉर्मेशन लेगा एक ही टाइम पे उसके बाद मैंने क्या बोला उसके बाद मैंने बोला व्हाट आर न्यूराइट्स

याद रखोगे अभी आप मल्टीपोलर मल्टीपोल उसको बोलेंगे हम जिसको मतलब एक्सटेंशन बहुत सारे होंगे और जिसको एक्सटेंशन बहुत सारे उसको बोल के मल्टी मल्टी मतलब मनी मल्टी मतलब क्या होता है मनी तो दैट मीन यहां पे बहुत सारे एक्सटेंशन है लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं डेंस बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन खाली एग्जोन एक ही प्रोसेस हो सकती है इतना क्लियर है ना सबको आगे जाऊं मैं सो so, अभी तक हमने क्या देखा अभी तक मैंने बोला व्हाट इज नर्वस सिस्टम सो नर्वस सिस्टम क्या होता है नर्वस सिस्टम बनाए लॉट ऑफ न्यूरॉन्स से और स्पोर्टिंग सेल्स से उसके बाद मैंने बोला इसका मेन फंक्शन क्या है इसका मेन फंक्शन है है ये कलेक्ट करता इंफॉर्मेशन को चाहे वो इंफॉर्मेशन इंटरनली हो चाहे वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली हो एनवायरमेंट में और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है उसके बाद क्या होता है इंटीग्रेट होता है उसके बाद एक रेस्पॉन्स डिसीजन निकलता है नर्वस सिस्टम से ओके okay. के मैंने बोला नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है वन इज कॉल्ड सी एन एस सेकंड इज कॉल्ड पी एन एस और सीएनएस के अंदर क्या आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड रोल क्या है पीएनएस का दो रोल मेरे सिस्टम पे सेंसरी सिस्टम एंड मोटर सिस्टम आप वहां पे मतलब मैंने बोला जो सेंसरी सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन और ले जाता है टुवर्ड्स द सीएनएस और जो मोटर सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन लेता है कमांड लेता है सीएनएस से और कहाँ तक सेंड करता है पेरिफेरी और मैंने बोला लॉट ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सीएनएस में भी एंड लॉट ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं पीएनएस में भी ठीक है ना उसके बाद मैंने बोला न्यूरॉन न्यूरॉन क्या होता है न्यूरॉन इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल है इट्स अ एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम उसके बाद मैंने बोला जो नर्वस सिस्टम है वो सेल्स हमारे इस नर्वस सिस्टम के अंदर जो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोपागेट करेगी एक्शन पोटेंशियल उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स और जो कंडक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स या सिम्पलीक्ट्रिकल करंट और प्रोपागेट नहीं करेगी एक्शन पोटेंशियल तो इसका नॉन न्यूरोनल कॉल्ड सेल्सवर्ट स्पोर्टिंग सर ग्लायल सेल्स ठीक है ना तो फर्स्ट हमने देखा न्यूरॉन न्यूरॉन में थ्री पार्ट्स हमने देखे अभी तक डेंड्राइडस सेल बॉडी एंड एक्सॉन जो डेंड्राइड्स होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को कैच करते हैं फ्रॉम दूसरे न्यूर से और सेंड करते हैं वो इंपल्स इंद्र The in the is in और ये जितने भी एक्सटेंशन होंगे एक के, means, कितने के दो ही टाइप्स के होंगे ना एक हो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे इतना है? इतना होगा. उसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर

डिफरेंट न्यूक्लियस है न्यूरोन्स है डिफरेंट शेप्स डेट्स वाई हमने एक क्लासिफिकेशन बनाई दस कॉल्ड अ मॉरफॉलजी डिफरेंट न्यूरोन्स है डिफरेंट शेप्स ठीक है ना सो फर्स्ट थिंग इसमें आएगा यूनिपोलर यूनिपोलर और सेकेंड थिंग दल्ड बाईपोलर एंड थर्ड थिंग दल्ड अट मल्टीपोलर अभी मैंने बताया वट इज मल्टीपोलर ठीक है ना नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट इज यूनिपोलर यूनिपोलर न्यूरॉन हम उसको बोलेंगे जिसमें खाली एक ही एक्सटेंशन होगा सपोज यहां पे सेल बॉडी है बस के न्यूक्लियस है और इसका एक ही एक्सटेंशन है ये सेल बॉडी है और इसका न्यूक्लियस है इसका एक ही एक्सटेंशन है दैट्स कॉल्ड व्हाट यूनिपोलर ओके और जो यूनिपोलर होते हैं फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक यहां पे स्पाइनल कॉर्ड है मैं खाली डायग्राम बनाऊ शॉर्टकट में बना रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड ठीक है ना अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे वट क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो ना क्रॉस सेक्शन मतलब होता है ऊपर से देखना इसको कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ठीक है ना एंड नाउ ये क्रॉस सेक्शन है, एक स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है ये ठीक है ना ऊपर से हम स्पाइनल कॉर्ड को देख रहे हैं ठीक एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके दो एंडस होते हैं एक को हम बोलते हैं डॉर्सल एंड और दूसरे को हम बोलते हैं वेंट्रल एंड आगे जाके मैं जब स्पाइनल कॉर्ड पे वीडियोस बनाऊंगा तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अब याद याद रखोगे ये है ऊपर ये दिस दिस एरिया इज कॉल्ड वट दिस एरिया इज कॉल्ड वट होल सकते डॉर्सल एंड दिस एरिया इज कॉल्ड वेंट्रल एरिया ठीक है ना अब देखो यूनिपोलर कहाँ पे प्रेजेंट होता है यूनिपोलर होता है प्रेजेंट गेंगलियान में कहाँ पे प्रेजेंट होता है गेंगलियान में प्रेजेंट होता है गैंगलियन इज सिंगर एंड गैंगलिया इज प्लूलर ठीक है ना एंड वाट इज गैंगलियन गैंगलियन इज सिंपली कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज जितनी भी सेल बॉडीज होंगी आउट साइड द सी एन एस आउट साइड द सी एन एस दॉल्ड अ गैंगलियन कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड देंट्रर्वस सिस्टम दैस कॉल्ड अ गैंगलियन ठीक है ना सो दैट मीनस यहां पर जो रूट है this root, this root, obviously this root. And this root is called a ventral, and this root is called sorry, this root is called dorsal, and this root is called ventral. ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे एक cell body है. मैंने बोला collection of cell bodies. यहाँ पे बहुत सारी cell bodies होंगी. एक को हम बोलेंगे ganglion. बहुत सारे को बोलेंगे ganglia. ठीक है ना? देखो ये spinal cord है. Spinal cord के बाहर आउटसाइड द सी एन एस दैट मीन्स ये बाहर है अभी सी एन एस की यहाँ पे एक सेल बॉडी है और यहाँ से एक एक्सटेंशन निकल रहा है ठीक है ना यहाँ से एक्सटेंशन निकल रहा है ठीक ऐसे और यहाँ पे कोई बॉडी पार्ट होगा मानो यहाँ पे टो तो होगा ठीक है ना फीट होगा यहाँ पे टो तो होगा सो so, क्या हो रहा है यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन लेगा ऐसे और ऐसे ठीक है ना यहां पे दो पार्ट्स बन रहे हैं कॉल्ड पार्ट ए एंड दिस कॉल्ड पार्ट बी ठीक है अब नाउ यहां पे डेंड्राइट कौन होगा और एग्जॉन कौन होगा देखो सिंपल सी बात है जो सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन लेगा दैट्स कॉल्ड डेंड्राइट और जो सेल बॉडी से दूर ले जाएगा दैट्स कॉल्ड व्हाट ठीक है ना अब देखो जो यूनिपोलर है बुक्स में लिखा है इसको हम बोलते है सीडोबी सीडो, सीडो यूनिपोलर न्यूरोन इसको बोलते हैं सीडो मतलब फॉल्स ठीक है ना तो जब डेवलपमेंट होता है सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन की बेसिकली मतलब जो सेल बॉडी होगी और उसके जो डेनरेट्स uh, होंगे वो फ्यूज हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं फ्यूज हो जाते और बनाते एक ही एक्सटेंशन बनाते एक ही एक्सटेंशन सो दैट मीनस ये ट्रू नहीं है सो so, हमारी बॉडी में कुछ फ्यू है जो मतलब एग्जिस्ट करते एज अ सीडो यूनिपोलर और लोकेशन क्या है गंग्लियन में अब गेंगलियन क्या है कलेक्शन ऑफ द सेल बॉड्स मेरा क्वेश्चन क्या है, है एग्जॉन कौन है अब देखो इन्फॉर्मेशन टॉडी पार्ट बी है ये इंफॉर्मेशन को ले रहा है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी तो वैसे ये एग्जॉन है लेकिन यहां पर जो डॉक्टर्स है वो क्या बोल रहे हैं यहां पर बोल रहे यहाँ पे, पे खाली जो सिंगल प्रोसेस है दस कॉल्ड एग्जॉन सो so, अगर मैं ट्रूली बताऊं यहां पे तुम्हें जो सेल बॉडी है यहां पे मैंने सेल बॉडी ऐसे नहीं बनाई मैंने ऐसे नहीं बनाई सेल बॉडी ऐसे और ऐसे एक्सटेंशन मैंने नहीं बनाए सो दैट मीन्स क्या होता है यहां पे यहां से इंफॉर्मेशन हो जाती है वो एंटर करती किस में सेल बॉडी में जहां पे इफॉर्मेशन आएगी टवर्ड द सेल बॉडी दैट्स कॉल्ड डवर्ट डेंड्राइड और जो प्रोसेस जो एक्सटेंशन दूर ले जाएगा इंफॉर्मेशन को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी दैट्स कॉल्ड ड वर्ट

सेल बॉडी होती है वो फ्यूज हो जाती है और एक ही एक्सटेंशन बनाता है सो दैट्स देट कॉल्ड वीडो यूनिपोलर न्यूरॉन सो अब आई होप आपको समझ आया होगा वट इज यूनिपोलर एंड हम क्या पढ़ते हैं शेप शेप कैसी है उसके बाद क्या है बाइपोलर बाइपोलर का मतलब क्या होता है सिंपल तो सी बात है आप बोलने की जरूरत नहीं है इसकी दो एक्सटेंशन होंगे ठीक है ना आज वन एक्सटेंशन सेकेंड एक्सटेंशन अगर ये इंफॉर्मेशन ले रहा है और किसको देगा सेल बॉडी को देगा तो ऑब्वियसली ये क्या है यहां पे यहां पे डेंड्राइड है अब यहां पे दूसरा एक्सटेंशन है जो ले रहा है इंफॉर्मेशन किसे ले रहा है इंफॉर्मेशन बॉडी से ओब्वियसली क्या एक्सॉन है ठीक एक है ना तो ये कहां पे पाया जाता है रेटिना में पाया जाता है रेटिना ठीक है ना और हम बोल सकते हैं कॉकलियर सिस्टम में ठीक है ना हम बोल सकते हैं ऑडिटरी सिस्टम में ठीक है ना पाया जाता है क्या बाइपोलर सो यूनिपोर हम देखा रहे गेंगलिया में गेंगलियान में क्या होता है जो सेल बॉडीज होगी जो सी एन एस के बाहर होगी दस कल गेंगलियान अगर बहुत सारे सेल बॉडीज होंगे ओब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे होंगे दस कल गेंगलिया ठीक है ना दस्कल्ड वोट स्पाइनल गेंगलिया क्योंकि स्पाइनल कार्ड के बाहर है ठीक है ना अगर मैं बोलूँ ब्रेन के बाहर है दस्कल्डवर्ट क्रेनल गैंग गेंगलिया क्लियर है ना तक अब नाउ कॉल्ड वन क्लासिफिकेशन उसके बाद है मल्टीपोलर तो so, देखो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पे बहुत सारी जगह पे मोस्ट प्लेस पे पा जाता है मल्टीपोलर एंड मल्टीपोलर होता क्या है बहुत सारे एक्सटेंशन हो स्पेशली वाट स्पेशली डेंड्राइड्स यहाँ पे बहुत सारे हो अभी हमने पीछे देखना कि भाई बहुत सारे हो और एक सिंगल प्रोसेस एग्जाम वट मल्टीपोल बाईपोल में खाली दो एक्सटेंशन होंगी यूनिपोल में खाली एक ही एक्सटेंशन होगी लेकिन जो मट्टीपोल होगी वहां पर बहुत सारे एक्सटेंशन होंगे लेकिन बहुत सारे एक्सटेंशन किस में आएंगे वो आएंगे डेंड्राइडस में और सिंगल एक्सटेंशन किस में आएगा लॉन्ग एक्सटेंशन किस में आएगा वो आएगा एग्जाम में सो ये एक क्लासफिकेशन होगी ऑन द बेस ऑफ मार्फॉल्जी अब सेकेंड क्लासफिकेशन देखते बेस ऑफ फंक्शन अब नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नाउ जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है सो नाउ व्हाट इज फंक्शन मीन सो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैव डिफरेंट फंक्शन अभी मैंने बोला जो पीएनएस में है वहां पे दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं वन इज कॉल्ड व्हाट सेंसरी सिस्टम सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट मोटर सिस्टम नाउ जो सेंसरी सिस्टम है उसमें भी तो न्यूरॉन्स ही होंगे और जो मोटर सिस्टम है उसमें भी तो न्यूरॉन्स होंगे सो दैट मींस जो ऑन द बेस ऑफ फंक्शन जो क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स की वो डिवाइड किया गया है सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन एंड व्हाट और किया डिवाइड मोटर न्यूरॉन में एंड इनके बीच में एक और न्यूरॉन आता है कॉल्ड इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन्स को बोलते हैं रिले न्यूरॉन ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सी एन एस है यहाँ पे ठीक है ना तो क्या हो रहा है यहां पे यहाँ पे एक इम्पल्स आ रही है थ्रोवट सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और यहां से इम्पल्स जा रही है फ्रॉम ब्रेन थ्रो वट मोटर न्यूरॉन जब मोटर न्यूरॉन न्यूरॉन बहुत सारे जुड़े गए मोटर सिस्टम ठीक है ना अब इन दोनों को मिलाना है तो कौन मिलाएगा भाई इंटर न्यूरॉन इनको ये ज्वाइन करवाएगा ठीक है ना तो जो इंटर होते हैं ये इन बिटवीन होते हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन अगर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ अ विच न्यूरॉन इज अ मोस्ट एबंडेंट न्यूरॉन दैट्स कॉल्ड व्हाट इंटर न्यूरान ये बहुत सारे होते हैं ठीक so है ना तो दैट्स व्हाई ये इन बिटवीन होते हैं मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन इन दोनों को जॉइन करते हैं ठीक है सो हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑन द बेस ऑफ शेप हमने देखा यूनिपोलर हमने देखा बाइपोलर हमने देखा व्हाट मल्टीपोलर उसके बाद हमने देखा फंक्शन पे तो so तीन तरह के होते हैं सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरान एंड मोटर न्यूरॉन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूर इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स व्हाट

थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ केमिकल्स ऑन द बेस ऑफ केमिकल्स नाउ जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो केमिकल्स पे अब नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ केमिकल तो सिंपल सी बात है जो केमिकल्स होंगे देखो फॉर एग्जांपल यहां पे एक न्यूरॉन है यहां पे दूसरा न्यूरॉन है मैं डायग्राम ऐसे ही बना रहा हूँ समझने समझाने के लिए ठीक है ना ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा यहाँ पे तीसरा न्यूरॉन होगा ठीक है अब नाउ अपना यहां पर होंगे स्मॉल स्मॉल होंगे और इन एक्सटेंशन पे क्या होंगे रिसेप्टर्स सो डेड्राइड है एक्ट करता है है रिसेप्टर कंपोनेंट ठीक ना अब नाउ जो सी एन एस सॉरी जो, जो न्यूरॉन है न्यूरॉन के अंदर क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही है ठीक है ना अब जो लास्ट कॉल्ड कल्ड नर्व एंडिंग्स नर्व एंडिंग्स अब जो नर्व एंडिंग्स है अब देखो ये इसकी टंग है ये एक न्यूरॉन की टंग है ये दूसरे न्यूरॉन के कान है अब इन दोनों का क्या इसको बात कर इसको सुनना है फिर ये बात करेगा ये सुनेगा फिर ये बात करेगा वो सुनेगा इस तरह से ऑन चलता जाएगा जब ये बात करेगा और ये सुनेगा और इनके दर में जो लैंग्वेज होगी ना वो केमिकल की होगी इनके दर में जो लैंग्वेज होगी वो किसकी होगी वो केमिकल उसकी होगी अब जो केमिकल लैंग्वेज होती है, क्या है केमिकल लैंग्वेज होती है इसमें क्या न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर्स अब जब केमिकल लैंग्वेज है न्यूरो ट्रांसमीटर दैट मीनस ये कुछ केमिकल छोड़ेगा अब ये न्यूरॉन उस केमिकल को लेगा और यहां से प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगेन जब न्यूनडिक्स पे आएगा अगेन क्या छोड़ेगा केमिकल छोड़ेगा अगेन ये अल्टर करेगा व्हाट इलेक्ट्रिकल यहां पे एक्शन पोटेंशियल को अगेन जब यहां पे नर्व एंडिंग से पहुंचेगा यह दूसरे न्यूरॉन को न्यूरो करेगा सो दैट मीनस जब एक न्यूरॉन बात करेगा दूसरे न्यूरॉन सुनेगा तब यह छोड़ेंगे केमिकल दैट्स व्हाई डिफरेंट न्यूरॉन प्रोड्यूस डिफरेंट केमिकल्स फॉर एग्जाम्पल वो न्यूरोन जो प्रोड्यूस करेंगे जो सिक्रीट करेंगे एसिटाइल कोलिन कॉल्ड व्हाट कोलर कोलरजेनिक कोलरजेनिक न्यू हम बोलते हैं कोलरजेनिक जो छोड़ेंगे एसिटाइल कोलिन जो डोपामिन छोड़ेंगे कॉल्ड जो सोराटोनिन छोड़ेंगे कॉल्ड ठीक है ना सो डिफरेंट न्यूरोन सिक्रिट डिफरेंट केमिकल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल सिक्रिशन हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं तो अभी तक हमने तीन क्लासिफिकेशन देखी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन डिफरेंट न्यूरॉन्स सिकरज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड दोज केमिकल्स अगर एक न्यूरॉन छोड़ेगा एसटाइल को दैस कल ड वट कोलरजेनिक अगर डोपामिन छोड़ेगा दैसे कल डोपरमनजेनिक इस तरह सोमान चले चले जाओ ठीक है ना हिस्टामिन भी कोई छोड़ेगा फिर भी कोई छोड़ेगा सोन चलते जाओ दैट so मीनस जो केमिकल्स होंगे डिफरेंट सिक्रेट करेंगे डिफरेंट केमिकल्स क्या करने के लिए आल्ट्रेशन करने के लिए दूसरे न्यूरॉन को ठीक है ना यहां तक चलेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां तक चलेंगे केमिकल्स जहां पर देखो विदिन द न्यूरोन वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है न्यूरोन के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यहाँ के इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट चलेगी जो इफॉर्मेशन ट्रवल होगी जो इम्पल्स ट्रवल होगी वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट होगी लेकिन जहां से नर्व एंडिंग्स पे पहुंचेंगे यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे सो डिफरेंट डिफ्रेंट न्यूरो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स आगे जाके हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं अभी बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ हमें क्या पढ़ना है एक बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूँ सो दैट मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स छोड़ेंगे समझ आ गए क्लासफिकेशन एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन लास्ट क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेस ऑफ एक्सॉन लेंथ ऑन द बेस ऑफ एक्सॉन लेंथ जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो क्या है ऑन द बेस ऑफ एक्सॉन लेंथ फोर्थ क्लासिफिकेशन एक्सॉन लेंथ नाउ डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स हैव टाइप्स ऑफ एक्सॉन लेंथ किसी की छोटी होती है स्मॉल लेंथ होती है एंड किसी की लार्ज लेंथ होती है ठीक है ना जिसको स्मॉल लेंथ हो उसको बोलते हम गोलगी या गोलजी टाइप वन और इसकी लंबी साइड टाइप टू उसको बोलेंगे जिसकी लंबी होगी जो जिसको बोलेंगे टाइप टू अगेन आई एम रॉन्ग वाले एग्जाम लेंग्थ जिनकी स्मॉल होगी उनको बोलेंगे गॉल टाइप टू जिनकी लार्ज लेंगत उसको बोलेंगे गॉल टाइप वन सो अभी तक हमने देखे तीन चार क्लासिफिकेशन वन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड अवट मॉरफॉल सेकेंड क्लास फंक्शनल थर्ड क्लास न्यूरोमिकल एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड अवट एक्जोन क्लासिफिकेशन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो क्लियर है कि नहीं है अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ग्लाइल सलस भी होगा ठीक है ना ओके थैंक यू